एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हैकर रैंक पे, जिसका नाम है हैंडशेक। प्रॉब्लम को सबसे पहले समझ लेते हैं। एट द एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एक्मे INC, इफ एवरीवन अटेंडिंग शेक्स हैंड्स एग्जैक्टली वन टाइम विद एवरी अदर अटेंडी, हाउ मेनी हैंड शेक्स आर देयर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सिनेरियो पिक कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं सिनेरियो। ये सिनेरियो इस तरह का है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो लोग हैं, वन एंड टू। अगर ये दोनों लोग हैंडशेक करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि एक ही हैंडशेक होगा और दोनों का हैंडशेक हो जाएगा। मान लीजिए कि तीन लोग हैं, अगर तीन पर्सन हैं और हमने हैंडशेक्स काउंट किया तो वन टू से हैंडशेक करेगा और वन थ्री से हैंडशेक करेगा। एंड देन उसके बाद टू वन से करेगा जो ऑलरेडी कर चुका है, और टू थ्री से करेगा, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हम थ्री की जब बात करेंगे तो थ्री ऑलरेडी वन से और टू से हैंडशेक कर चुका है। अगर हम फोर की बात करें, चार लोग अगर हमारे पास हैं और अगर हम हैंडशेक स्टार्ट करें तो वन टू से हैंडशेक करेगा, वन थ्री से हैंडशेक करेगा और वन फोर से हैंडशेक करेगा। और जब टू हैंडशेक करेगा तो वन से ऑलरेडी कर चुका है, टू थ्री से हैंडशेक करेगा और फोर से हैंडशेक करेगा। फिर इसके बाद जो थ्री है वो वन से हैंडशेक करेगा, टू से हैंडशेक करेगा जो कि ऑलरेडी हो चुका है। अब थ्री हमारा फोर से हैंडशेक करेगा। अगर हम फोर की बात करेंगे तो फोर ऑलरेडी वन टू थ्री तीनों से हैंडशेक कर चुका है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर दो ही लोग थे तो एक हैंडशेक हो रहा था, इससे हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा आंसर N-1 होना चाहिए। अगर हमारे तीन लोग हैं और तीन हैंडशेक हो रहे हैं तो इससे लग रहा है हमें आंसर N होना चाहिए। और इस केस में टोटल हैंडशेक वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स है, तो इससे हमें लग रहा है कि आंसर N+2 होना चाहिए। तो तीनों तो आंसर नहीं हो सकता, तो हमें कुछ और मेथड निकालना पड़ेगा इसको करने के लिए। तो मान लीजिए कि हमारा सिनेरियो जो है वो फोर यूजर्स वाला है, या फोर पीपल जो मीटिंग में मिल रहे हैं, और फोर पीपल के हिसाब से हम एक बार फिर से सोल्यूशन को डिजाइन करते हैं। तो सोल्यूशन को डिजाइन करने के लिए हमने ये माना कि वन जो है वो तीन लोगों से हैंडशेक करेगा। तो इसका मतलब अगर एन है तो वो N-1 हैंडशेक करेगा। इसी तरह से जो टू है वो हैंडशेक करेगा वन से जो ऑलरेडी हो चुका है, वो थ्री से करेगा और फोर से करेगा। इसका मतलब है कि N-2 और हैंडशेक्स हुए। इसके बाद जो थ्री है वो हैंडशेक कितने करेगा, वो वन से ऑलरेडी कर चुका है, टू से ऑलरेडी कर चुका है, उसको फोर से बस करना है। तो इसका मतलब क्या है कि केवल एक हैंडशेक इसमें कर रहा है, इसको हम एक और रिड्यूस करके N-3 कह सकते हैं। और ये जो फोर वाला है वो किसी से भी हैंडशेक नहीं करेगा। तो इस तरह से रिड्यूसिंग है, अगर हमारे पास एन एक बड़ी क्वांटिटी है तो N-1 देन N-2 देन N-3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, सबसे लास्ट में केवल एक ही हैंडशेक होगा। जैसे कि फोर वाला हमने एग्जाम्पल जब देखा तो थ्री हैंडशेक देन टू हैंडशेक एंड वन हैंडशेक, तो लास्ट में केवल एक हैंडशेक ऐड हो रहा है जो कि थ्री से फोर हो रहा है। अगर हम इस सीरीज को उल्टा करें तो दिस सीरीज विल बी 1+2+3 एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू N-1। सो ये हमारा समेशन N-1 है। फर्स्ट N-1 नेचुरल नंबर का सम, या आप इसको आप ये भी कह सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद अ कॉमन डिफरेंस वन। तो इसका जो आंसर होता है दैट विल बी इक्वल्स टू N(N-1/2)। तो यही हमारा आंसर है और हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप थ्री यूजर्स के साथ वेरीफाई अगर करना चाहें, सो 4 × 3/2 टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स आर 6। अगर आप थ्री वाले के साथ इसको वेरीफाई करना चाहें, सो N(N-1)/2 दिस कम्स आउट टू 3, और हमारे थ्री ही हैंडशेक्स हैं। तो आप इसको किसी भी सिनेरियो में वेरीफाई कर सकते हैं। आइए इसको कोड करके देखते हैं। तो हमारे पास एन गिवन है जो कि नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ पर्सन है जो कि अटेंड कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस को या मीट को, और हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है N(N-1)/2। सो 4 × 3/2 ये हमारा आंसर था। सिमिलरली यहाँ पे भी N(N-1)/2 हमारा आंसर होगा। तो आइए इसको हम रन करके देखते हैं। तो इसका सैम्पल टेस्ट केस रन हो गया है, सबमिट करते हैं इस प्रॉब्लम को। आप देख सकते हैं कि इसके अदर टेस्ट केसेस भी पास हो गए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल अगेन मीट विद सम अदर कॉन्सेप्ट।